नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। प्लूरल्स पार्टी की मुखिया पुष्पम प्रिया चौधरी ने मैदान में कूदने का ऐलान कर दिया है। जी हां, कल उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बताया है कि वो बांकीपुर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगी और इस अभियान की उन्होंने शुरुआत कर दी है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके कहा है कि यदि हिम्मत है तो बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व के मुख्यमंत्री लालू यादव अपने किसी भी कैंडिडेट को लड़ा दे या तो अपने लड़ जाएं। पटना की राजनीतिक हैसियत रखने वाली ये सीट जो है उनके लिए भारी पड़ जाएगी। तो आप समझ सकते हैं पुष्पम प्रिया की अंदर ही अंदर कितनी तैयारी होगी। कल वो बांकीपुर के स्लम एरियों का उन्होंने दौरा किया और प्लूरल्स पार्टी के लिए खोइछा अभियान की शुरुआत की। आप समझते होंगे बिहार के जो लोग हैं, खोइछा उसे कहा जाता है कि जब बेटी अपने मायके आती है या किसी रिश्तेदार के यहाँ जाती है तो उसके आंचल में पैसे, चावल, दूब, धान कुछ दिया जाता है कि बेटी को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। और इसको देखते हुए पुष्पम प्रिया चौधरी जहां जहां बांकीपुर के स्लम इलाकों में गई वहां वहां उन्हें बुजुर्गों लेकर और बच्चों ने तक खोइछा दिया। यहां तक ये गरीब महिला जब खोइछा दे रही हैं तो उन्होंने ये कहा कि बिटिया इस खोइछे को याद रखना। एक बच्चे ने उनको एक रुपए का एक सिक्का देते हुए कहा कि मैडम दीदी जब जीत जाना तो मेरा घर जरूर बनवा देना। इस पर उन्होंने कहा कि बेटा यदि मैं आई बिहार की सत्ता में तो घर ही नहीं बनवाऊंगी, तुम्हारी जिंदगी भी संवारने की पूरी कोशिश हमारी रहेगी। यानी कि बिहार जो है बदलाव देखना चाहता है और पुष्पम प्रिया चौधरी विदेश से भले आई हो लेकिन बिहार की सोंधी मिट्टी की खुशबू उनके अंदर है और बिहार की राजनीति को उन्होंने परख लिया है। देखते हैं पुष्पम चौधरी का ये राजनीतिक सफर कहां तक जाता है। इस पर नेशन भारत की नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए नेशन भारत के साथ। नेशन भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।